सॉल्व करना है। 102 के बाद क्या लिखा है, 104, यानी 102 के बाद क्या आ गया आपका, 104 आ गया। यानी 102 में कितने प्लस करें कि 204 आ गया यहाँ पर, यानी 102 में अगर 2 को जोड़ देंगे तभी तो 104 आएगा यहाँ पर। फिर 104 के बाद यहाँ क्या लिखा है, 106। अब 106 कैसे आया है यहाँ पर, अगर हम 100 यहाँ देख लीजिए, 104 में अगर हम 2 को प्लस कर दें तो कितना आ रहा है हमारा, 4 + 2 = 6, इतने ही आ रहा है यहाँ पर। यानी आपको जो ये नंबर्स दिए जैसे 102, 104, 106, यानी इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर 102 में 2 को प्लस करेंगे तभी 104 आएगा, 6 को प्लस, सॉरी 2 को प्लस करेंगे तो 106 आएगा। यानी इन सबके बीच में 2 का प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पर जो 106 दिया है इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो 106 में 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 + 2 कितने होते हैं, 8 होता है, 0 के नीचे कुछ नहीं, 0, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 कितना आएगा, 108। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप इस 108 में हम 2 को प्लस करेंगे क्योंकि सम में 2 का प्लस हो रहा है, 108 में प्लस करेंगे 2, तो 8 + 2 कितने होंगे, 10 होते, तो 10 की 0 आएगा या 1 कैरी चढ़ जाएगी। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 पे 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, यानी 100 कितना आया है, 110, यहाँ 110। अब इस 110 में हम फिर से 2 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 112। अब 112 में अगर हमने 2 को प्लस करा कितना आएगा, 114 को 2 प्लस करेंगे, 116 में 2 को प्लस करेंगे तो 118। और यह 120 दिया है, यानी अगर हम 118 पे 2 प्लस करेंगे कितना आएगा, यानी वे 1 तो आपका सेम है, 18 दिया ही है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19, 20 हो गया, तो यानी 120 यहाँ पर लिखा है आपको पहले से। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, 2 का प्लस करना था। अब नीचे वाला देखते हैं क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि नीचे में भी आप 2 को प्लस कर दो, हमें पहले देखना पड़ेगा कि नंबर्स में कितना जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पर 100 लिखा है, अब 100 में कितना प्लस करा कि यहाँ पर 110 आ गया, यानी 100 में कितना प्लस करा कि यहाँ पर 110 आ गया आपका, यानी 100 में जब अपन ने कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, 100 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 110 आएगा। फिर 110 में अगर हम फिर से 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लेते हैं हम, कितना आएगा, 120 आएगा। इसका मतलब इन सभी नंबर्स के बीच में कितने कितने का प्लस हो रहा है, 10 का प्लस हो रहा है, तो आप 10 को जोड़ेंगे। 120 लिखा है, 120 में 10 को आप प्लस कीजिए, कितना आएगा, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, यानी 130। अब 130 में 10 प्लस करेंगे तो 140, 10 प्लस कर दो
150, इसमें 10 प्लस तो 160, इसमें 10 प्लस 170, इसमें 10 प्लस 180, अब 180 में 10 प्लस करेंगे तो 190 आ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो इस तरीके से ये वाला भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कितने कितने का आ गया है, इसमें कितने का प्लस होगा, 105। अब 105 में कितने प्लस करेंगे, यहाँ पर 110 आ गए, यानी 105 में कितने प्लस कर दिए, 110 आ गया आपका, यानी 105 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे, 5 5 10 10 0, जीरो के नीचे कुछ नहीं, तो जीरो में वन प्लस करा तो यहाँ वन आ गया, उसके नीचे कुछ नहीं तो ये ऐसे ही कर गया, यानी इसमें इन सब के बीच में कितने कितने का प्लस हो रहा है आपका, 5 5 का प्लस हो रहा है।
टेन इलेवन ट्वेल्व फॉर एट कर लिए इसमें प्लस कर लिए एट इन फोर को कितना आया ट्वेल्व ट्वेल्व का टू वन फाइव के नीचे कुछ नहीं दिया और फाइव में कैरी जोड़ लीजिए फाइव प्लस वन कैरी सिक्स इसके नीचे कुछ नहीं तो ये ऐसे आता है यानी कितना आएगा 162 और 162 में फोर प्लस कर लीजिए करेंगे कितना आएगा नाइन टेन इलेवन